कार पेट्रोल। अरे वाह, आज बड़ी रेस है कार सिटी में और लगता है जीतने के चांसेस है हमारे हीरो जेरी के। कितनी भीड़ आई है। अरे वो देखो, मैट और फ्रैंक रेस एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों ग्रेट, जेरी सबसे आगे है। अरे नहीं, जेरी के टायर को क्या हो रहा है? लगता है वो निकल जाएगा। अरे नहीं, वो निकल गया। कुछ गड़बड़ चल रही है। और लगता है मैट और फ्रैंक भी यही सोच रहे हैं। क्या तुम इन्वेस्टिगेट करोगे? ग्रेट, वो देखो जेरी, पहले उससे बात करनी चाहिए। अच्छा सवाल है मैट, तुम रेस से ठीक पहले कहाँ थे जेरी? तुम टायर में हवा भरवा रहे थे। हे पिट स्टॉप पीट, कैसे हो तुम? तुम्हारा स्पैनर चोरी हो गया? कब हुआ ये पीट? जेरी के टायर में हवा भरने के बाद? लगता है तुम्हें दो मिस्ट्रीज सॉल्व करनी है। दोस्तों तुमने क्या देखा फ्रैंक? ओ वो शैतान टाइक, उसके पास तो स्पैनर है। और वो उस कार के व्हील्स ढीले करने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना बदमाश है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। मैट उसके पीछे है, टायलर भाग नहीं पाएगा। ग्रेट, वो उसे पकड़ लेगा। देख के वो एग्जिट की तरफ जा रहा है, वो भाग जाएगा। क्या हुआ टायलर, और नहीं भाग सके? ओ बढ़िया काम फ्रैंक। तुमने रास्ता रोक दिया, अब टायलर कहीं नहीं जा सकेगा। बिल्कुल ठीक टायलर, स्पैनर दे दो। अरे शायद अभी भी वक्त है जेरी को अगली रेस से पहले ठीक करने के लिए। मैट के पास एक अच्छी खबर है पीट, तुम्हारा खोया हुआ स्पैनर मिल चुका है। टायलर द टाइक ने लिया था और वो उससे दूसरी गाड़ियों के टायर ढीले कर रहा था। ग्रेट, पीट तुम्हें अगली रेस से पहले ठीक कर सकता है शायद। ये मशीन तुम्हें ऊपर उठा लेगी जेरी, जिससे पीट तुम्हारा टायर बदल देगा। अच्छा आइडिया पीट, चलो चेक कर लेते हैं जेरी का टायर दोबारा ना निकल जाए। अगली रेस के लिए गुड लक जेरी। क्या दिन रहा ना आज, तुमने पीट का स्पैनर वापस किया,
और चोर को भी ढूंढ लिया। तुम अगली रेस देखने जा रहे हो? आज के लिए काफी हो गया। हाँ बुरी बात टायलर, शायद तुमने अपना सबक सीख लिया हो। बहुत अच्छे मैट और फ्रैंक, वक्त है घर जाके आराम करने का। कार पेट्रोल। वाह, जेरी लेक के चक्कर लगा रहा है। वो जरूर कल की रेस की तैयारी कर रहा होगा। हे जेरी, अंधेरा होने वाला है, तुम आराम नहीं करोगे? मुझे यकीन नहीं होता, जेरी पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था। जेरी, तुम्हें सच में आराम करना चाहिए इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो। लगता है तुम्हें कीचड़ से बाहर आने के लिए मदद की जरूरत है जेरी। देखता हूँ मैट और फ्रैंक क्या कर रहे हैं। Hey, दोस्तों, जेरी को मदद की जरूरत है, वो कीचड़ में फंस गया है लेक पर। सही कहा, उसे दिन में रेस में भी पहुंचना है, पता नहीं वो जा पाएगा या नहीं। क्या तुम मदद करोगे? ग्रेट, बिल्कुल फंस गया है ना? लगता है वो लोग रेस ट्रैक बना रहे हैं। जेरी बहुत लकी होगा अगर वो रेस तक पहुंच गया। तुम्हारे पास आइडिया है मैट? बिल्कुल, टो ट्रक टॉम जरूर कुछ कर सकता है, वो यही रेस ट्रैक पर है। चलो चल के उससे पूछते हैं। वो रहा टॉम। काश मैट उसे जेरी की मदद के लिए मना ले। फ्रैंक कहाँ चल दिया? क्या कुछ बात बनी? मुझे लगता है फ्रैंक के पास कुछ और आइडिया है। बिल्कुल, लेक तो ट्रैक से थोड़ी दूर है, शायद चार्ली द क्रेन उसे कीचड़ से निकाल कर यहाँ ला सके। ग्रेट, लगता है चार्ली मदद करेगा। हे जेरी, मैट और फ्रैंक चार्ली को तुम्हें बाहर निकालने के लिए लाए हैं। अब हमें इसे रेस ट्रैक तक ले जाना होगा। अभी रेस शुरू होने में टाइम है, चलो तुम्हें साफ कर दें। ग्रेट, बस व्हील्स बदलने हैं, शायद अब टॉम फ्री हो। ओ, देखो मैट पहले ही उसके पास गया। और इस बार टॉम मदद करेगा। वक्त निकल रहा है, हमें जल्दी उन व्हील्स को बदलना होगा। चार्ली फिर से मदद करेगा, अब उन टायर्स को जल्दी से लगा दो।
ग्रेट, सब कुछ टाइम पर हो गया। रेस शुरू हो गई और लगता है जेरी जीत जाएगा। शायद अच्छा ही हुआ कि वो कीचड़ में फंस गया, उसको आराम की जरूरत थी। उसने कर दिखाया, वो जीत गया। वाह, तुमने कर दिखाया, कुछ ही घंटों पहले तुम कीचड़ में फंसे थे, सब कुछ इनकी वजह से हो पाया। कमाल की टीम है। The Car Patrol. Hey, बोल रही सूजी, लगता है उसे पेड़ों के बीच में बहुत मजा आ रहा है। अरे रे, उस हवा ने पेड़ को गिरा दिया। सूजी, क्या तुम्हें चोट लगी है? लगता है उस पेड़ की वजह से तुम्हारे पीठ पर चोट लगी है। तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाकर इसे हटाना होगा। चलो कार पेट्रोल को बुलाएं। हे फ्रैंक, इधर। सूजी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैट, क्या तुम एम्बर को ले आओगे प्लीज? फ्रैंक, मेरे साथ चलो। चलो ये कर दिखाएं। ये लो सूजी, मैट और फ्रैंक तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। शुक्रिया फ्रैंक, अब हम एम्बर का इंतजार करते हैं। चिंता मत करो सूजी, मैट एम्बर दी एम्बुलेंस को बुलाने गया है। वो रही एम्बर। हाय एम्बर, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। हरी बत्ती चली, मतलब तुम अब अंदर जा सकती हो सूजी। संभाल के, धीरे धीरे। ये बचे हम अस्पताल में। बेचारी सूजी, तुम्हें तो काफी सर दर्द हो रहा होगा। फिक्र मत करो, एम्बर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। सबसे पहले क्या हम उसके घाव को साफ करें? तैयार हो सूजी? अपनी आंखें बंद कर लो। कोई बात नहीं सूजी, एम्बर के पास रुई है जिससे वो सारे घाव साफ कर देंगे। ओह, क्या तुम्हें गुदगुदी हो रही है सूजी? चलो बैंडेज लगाते हैं। सब सही जगह पे है। क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है सूजी? लगता है तुम अब जा सकती हो।
सूजी खुश नहीं लग रही थी, क्यों एम्बर? क्या तुम उसे खुश करना चाहती हो? चलो देखते हैं। ऐसा कोई तो होगा कार सिटी में जो सूजी को खुश कर सके। वो देखो एम्बर, मैट द पुलिस कार के पास बलून्स हैं। लगता है मैट सूजी को उसके बलून्स दे रहा है। शुक्रिया मैट, क्या वो सूजी के लिए है? ये देखो सूजी, एम्बर के पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। चिंता मत करो, इस बार पानी से स्प्रे नहीं करेंगे तुम्हें। आंखें खोलो। लगता है सूजी अब खुश है। शाबाश एम्बर। एम्बर को हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो रही है। शुक्रिया एम्बर, गुड बाय। कार पेट्रोल। ये पूरी कार सिटी में आज हो क्या रहा है? हर कोई ड्राइव कर रहा है। यहाँ तक कि मैट और फ्रैंक भी है। दोस्तों क्या चल रहा है? ओ, ये तेल बिखरा है, ये तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? शायद तुम्हें छानबीन करनी चाहिए। ओहो, एक रेड लाइट। लगता है मैट तो रुक जाएगा, लेकिन फ्रैंक को संभलना होगा। संभल के फ्रैंक। क्या तुम ठीक हो फ्रैंक? अच्छा है कि तुम रुक तो गए, भले ही तुम अब उल्टे खड़े हो। ट्रैफिक लाइट अब ग्रीन हो गई है फ्रैंक। अच्छा होगा कि तुम घूम जाओ और मैट के साथ जाओ। क्या देखा तुमने फ्रैंक? ओ, ये तो टाइसन द टैंकर है और उसमें से तेल लीक हो रहा है। जरा रुको मैट, क्या तुमने फ्रैंक का सायरन सुना? मतलब वो चाहता है कि तुम उसके पीछे जाओ। टाइसन, क्या तुमने सायरन सुना? मतलब वो चाहते हैं कि तुम रुक जाओ। ओह डियर, लगता है तेल की वजह से रुकना मुश्किल हो रहा है। ठीक समझे टाइसन, तुम्हारा तेल हर जगह लीक हो रहा है। तुम्हारे टैंक को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा होगा कि हम टॉम द टो ट्रक को बुला लें। ग्रेट, टॉम बस रास्ते में ही है। लो आ गया टॉम। लगता है टॉम को छेद मिल गया।
तुम क्या करने वाले हो टॉम? ओह, लगता है तुम्हें कुछ काम करना है मैट। तुम्हें इस छेद में थोड़ा ग्लू स्प्रे करना है मैट, और उसके बाद ये मेटल उस पर चिपकाना है, ठीक है? ग्रेट, तुमने टाइसन को ठीक कर दिया। बढ़िया टीम वर्क दोस्तों। बस एक और काम, हमें कार सिटी की सफाई करने की जरूरत है। ओह ग्रेट आइडिया फ्रैंक, सब मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। ग्रेट वर्क, फिर मिलेंगे।